कितना अच्छा लग रहा है, सच में पारिवारिक माहौल। एक बंदा मुझे पीछे आकर पूछ रहा है, टीना जी ये लोग कुछ कम नहीं है। मैंने कहा भाई, मैंने सबसे पहले बताया कि हम जूरी अनाउंस कर रहे हैं, एक पूजा कर रहे हैं, ये पब्लिक शो नहीं है भैया। डोंट काउंट द पीपल, काउंट द सोल्स हियर। कितनी सोल्स यहां बैठे हैं, काउंट दैट। तो बोलेंगे कुछ आप, पता नहीं कुछ आप ही ने मुझे बताया था। मैडम ठीक है, क्यों पड़ा मैं तो जानती नहीं, मेरी मम्मा मुझे जानती ही जानता है। इसका नाम टीना इसलिए है क्योंकि ये चाय पसंद नहीं करती, टीना ओनली कॉफी। कॉफी आप पसंद करती है ना, मिलते से सीढ़ी मिलती है, वही अपना पर रिश्ता होगा। टीना ने मुझे कहा था कि कार्यक्रम में आना एकदम फ्री में आना, मैंने कहा मेरे माथे पे लिखा है फिर बाद में पता लगेगा सच में मेरे टोटल के लिए हुआ है। आज जूरी अनाउंस होने जा रही है, दादा साहब फाल्के होने वाले, दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए आपने इस पाल के बच्चों को बुलाया है तो बड़ा अच्छा लगा है। और जूरी के लिए की बात करना चाहूंगा, अगर उनकी नजर में मेरे लिए कोई अवार्ड देने की इच्छा है तो एक ही बात करना चाहूंगा, भूल गया सब कुछ याद नहीं कुछ, बस यही बात भूली जूरी। भैया का मैं प्रणाम करता हूँ, बड़ा लगता है भैया आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूँ। हमारे योगेश लाखानी जी आ गए, योगेश लाखानी जी आइए सर, आप एकदम सामने लटक जाइए होर्डिंग की तरह, इनसे जो जुड़ जाता है उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। लाखों में बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन एक्टर मैन इज हूज हैंड, वुमेन्स हैंड, बट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज ब्राइट मैन्स हैंड। लाखों में एक है हमारे लाखानी साहब, और हमारी फिल्म मनी बैग गारंटी को उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग किए थे और आगे भी दो चार फिल्मों के लिए देंगे, ये हमेशा देते रहे। ये असल में यारों के यार, जोरदार ताली योगेश भाई के लिए प्लीज, यारों के यार हैं इसलिए इनके आजू बाजू में दो चार हैं। आप लोग सब बैठ जाइए, कुछ बातें आपके सामने करूंगा। किशन भैया प्रणाम आपको, धन्यवाद आपको रखे पूरे ग्रुप को। मनोज भाई के लिए कहना चाहता हूँ कि ये एक सबक है, एग्जाम्पल है, हम सब जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो किसी दिशा में जाना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, इनसे मैं सीखकर उन्हें गुरु मानता हूँ कि धीरे धीरे फिल्मों में पहले गाना गाते थे फिर फिल्मों में एक्टर बने, मतलब पहले गायक फिर नायक फिर विधायक, अब हम सबके सहायक, सांसद, सर आगे चल के पीएम बनेंगे आप। आपके एम समझ गए, आप पीएम बनेंगे, सबसे ज्यादा पीएम यूपी ने दिए और आप यूपी से है, यूपी के दिल में भी है, मतलब इतनी प्रोग्रेस की। पहले इनको मैंने कई बार देखा कि शुरू में ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी, मतलब केबीसी जब शुरू हुआ था तो पहले ऑफर इनको ही हुआ था, कौन से प्रोग्रेस थी जब हुआ था तो ऑफर इन्हीं को हुआ था, तो इन्होंने बोला कि नहीं है कार्यक्रम ठीक नहीं है, तो क्यों सामान्य ज्ञान का कार्यक्रम है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरा ज्ञान सामान्य नहीं है। सवाल कर दिया सामने वाले को, सामने वाले को चार ऑप्शन भी दिए, उसने एक जवाब दिया तो कहते हैं ये मैं जवाब दिया है इसके लिए की बात पूछना चाहूंगा, पूछे आर यू सुअर, क्या तुम सुअर हो। तो अभी भी कमी से
बार अभी हाल ही में परसों मुझे मिले, तुम्हें भैया कहाँ से आ रहे हैं? भैया सपा से। कहाँ पे? बीजेपी से। भैया बाड़ी मसाज कहाँ होता है? लेकिन गाँव गाँव में लोग नहीं समझ पाते भैया, तो इसको भोजपुरी में लाऊंगा, डिस्कवरी चैनल को भोजपुरी में लाऊंगा। उसका नाम क्या होगा? भोजपुरी भैया। हॉलीवुड की फिल्म में भैया हिंदी में बनी, भोजपुरी में कहा नहीं बनेगी भैया? बिल्कुल बनेगी। कौन सी हॉलीवुड की फिल्म को भोजपुरी बना गया भैया? गोंड जिला को बनाऊंगा, गोंड जिला को भोजपुरी में क्या बनाएंगे? उसका नाम क्या होगा? गोंडा जिला भैया। भैया गजनी फिल्म की भोजपुरी रीमेक बना रहा भैया, भैया पिक्चर बहुत पसंद आई थी गजनी फिल्म, उसका नाम क्या होगा? टकलवा भाई पगलवा। और भैया मल्ली का शेरावत एक भोजपुरी जरूर फिल्म बना रहा, उसमें मल्ली का हीरोइन होगी और बाकी हम सब हीरो होंगे। मैं दिनेश लाल यादव, रवि तिवारी, रवि किशन, मनोज तिवारी, खेसारी लाल, सब। फिल्म का नाम क्या होगा? नाम क्या होगा फिल्म का? बाल मल्ली का शेरावत है। ये सब जोक की बातें थी, बहुत श्रद्धा की जगह पर है, जोड़ा तालियां भी होती है। रूना जी के बारे में क्या कहूँ, इनका गाना बड़ा हिट हुआ। जब प्यार होता है और नई नई शादी होती, शादी की बात चल रही होती, तो लड़की जो है उसको अपने प्रेमी और मंगेतर और पति के सब कुछ दिखता रहती, गाना गाती है, मेरा बाबू छे सवेला मैं तो नाचूंगी, गजरा लगा के, गजरा लगा के, शादी के 3 साल बाद मेरा बाबू तू थकेला मैं तो नाचूंगी, मेरा बलमा जा तंगीला मैं तो पार नाचूंगी। प्यार शादी के बाद ऐसा हो जाता है, जैसे एक जमाने में सड़क का गाना आया था, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है है। जिसने भी गाना गाया था उस वक्त, जिन लोगों ने गाना गाया था, ये प्यार में पड़ के सड़क का गाना था, सब सड़क पे आ गया। लेकिन वही लोग अब दोबारा प्यार में पड़ गए, उस वक्त के लोग